अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फिश कल्चर एंड कल्चर सिस्टम्स। इसका मतलब है कि हम किस किस तरीके से अपनी फिश को कल्टीवेट कर सकते हैं और कौन कौन से मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारी फिश की प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकती है और हमारा जो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो भी इन्हांस हो सकता है। तो फिश प्रोडक्शन जो है, इस फिश प्रोडक्शन को हम एक्चुअली पैसिकल्चर कहते हैं, ठीक है, और फिश की स्टडी को हम इक्टियोलॉजी कहते हैं, और वो साइंटिस्ट जो फिश की स्टडी करते हैं उसको हम इक्टियोलॉजिस्ट कहते हैं। डियर स्टूडेंट, फिश की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन, और प्रोटीन जो है वो हर इंसान की रिक्वायरमेंट है, उसकी बॉडी के बेसिक मेटाबॉलिक फंक्शंस के लिए, उसकी बॉडी के ग्रोथ के लिए, उसके इम्यून सिस्टम के लिए प्रोटीन चाहिए। अब डिफरेंट प्रोटीन के सोर्सेज हैं, जैसे कि बीफ है, मटन है, इसके अलावा चिकन है, और भी डिफरेंट सोर्सेज हैं प्रोटीन के, लेकिन फिश जो है वो रिच सोर्स है। उसकी रीज़न ये है कि फिश में सबसे कम फाइबर्स होते हैं और इसको डाइजेस्ट करना सबसे आसान होता है, और इसको जितना ज़्यादा डाइजेस्ट करना आसान होगा उतना ही प्रोटीन जो है हमारी बॉडी को जल्दी मिल जाएगी, ठीक है। तो ऑल दो हम बाकी सोर्सेज से प्रोटीन ले सकते हैं, लेकिन फिश जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उसकी रीज़न क्या है कि डाइट्री इसके अंदर जो फाइबर्स हैं वो उसका कंटेंट बहुत ज़्यादा लो है। तो बढ़ती हुई आबादी की डिमांड को पूरा करने के लिए फिश की प्रोडक्शन अच्छे तरीके से करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फिश, दो वेज हैं फिश को ऑब्टेन करने की, एक है कैप्चर फिशरी और दूसरा है कल्चर फिशरी। कैप्चर फिशरी का मतलब है कि उसका नेचुरल इन्वायरमेंट मेरीन है या फिर इनलैंड है, वहां से हम फिश को कैप्चर कर रहे हैं। और दूसरा है कल्चर फिशरी। कल्चर फिशरी का मतलब है कि हम खुद एक हमने एक ऐसी जगह बनाई है, एक पॉन्ड बनाया है, या फिर कोई ऐसा टैंक्स बनाए हैं जहाँ पे हम अपनी फिश को कल्टीवेट कर रहे हैं, उसको रियर कर रहे हैं, उसकी और एंड पे उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। डियर स्टूडेंट, फिश जो है उसको हम मेरीन में भी कल्चर कर सकते हैं और इनलैंड कल्चर भी कर सकते हैं। मैरी कल्चर या मेरीन कल्चर का मतलब है कि फिश को मेरीन इन्वायरमेंट में, मतलब सी ओशन में हम कल्टीवेट कर सकते हैं, और उसमें जो कल्टीवेट हम जिन ऑर्गेनिजम्स को कर सकते हैं वो है क्रैब्स, वो है श्रिम्प्स, इसके अलावा क्रैब्स हैं, इसके अलावा फिश हैं, और हम सी कोकम्बर को भी कल्टीवेट कर सकते हैं मेरीन इन्वायरमेंट के अंदर, लेकिन जो सी कोकम्बर है इट बिलोंग्स टू फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इसके अलावा हम लॉबस्टर को भी कल्टीवेट कर सकते हैं, और जो दूसरा सोर्स है वो है इनलैंड। इनलैंड जो फिशरीज है उसमें फ्रेश वाटर भी आता है और ब्रैकिश वाटर भी आता है, मतलब फिश की कल्चर फ्रेश वाटर में और ब्रैकिश वाटर में। ब्रैकिश वाटर में सी वाटर और फ्रेश वाटर को मिक्स कर दिया जाता है, और इसमें जिन ऑर्गेनिज्म को कल्टीवेट किया जाता है वो एक तो है रहू, दूसरी है कैटला, मैरीगेला, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प और कॉमन कार्प। ये जितने भी कार्प्स हैं ये सारी पाकिस्तान में कॉमनली कल्चर की जा रही हैं, और इसको किस तरीके से हम कल्चर कर सकते हैं, कितनी एरिया में कितनी फिश को रख सकते हैं, उसके प्रोडक्शन को कैसे इन्हांस कर सकते हैं, कौन सी फीड हमें देनी चाहिए, और कैसे हम अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, अगर कोई डिजीज के सिम्टम आ जाए तो हम किस तरीके से उसको डायग्नोज कर सकते हैं, कैसे ट्रीट कर सकते हैं, ये सब डिटेल मैं एक अलग लेक्चर में प्रोवाइड करूंगी। अच्छा जी, उसके बाद है कि फिश की कल्चर जो है वो मोनो कल्चर भी हो सकता है और पॉली कल्चर भी हो सकता है। मोनो का मतलब होता है सिंगल, कल्चर का मतलब है कल्टीवेट, मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे आप सिंगल फिश की स्पीशी को कल्चर कर रहे हो तो इट विल बी मोनोकल्चर, ठीक है। मोनोकल्चर जहाँ पे सिंगल स्पीशी को कल्टीवेट कर रहे हो वो क्या होगा, मोनोकल्चर होगा। अब एडवांटेज क्या है मोनोकल्चर के, एक तो एडवांटेज ये है कि हम उसकी ब्रीडिंग परफॉर्मेंस को इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि वहां पे क्योंकि सिंगल ही स्पीशी है तो फूड का कोई कंपटीशन नहीं होगा और ना ही स्पेस का कोई इतना ज्यादा कंपटीशन होगा, ठीक है। और वो स्पीशी जिसको हम मोनोकल्चर कर रहे हैं ज्यादातर वो है तलापिया, जिसको हम उर्दू में चिड़ा मछली भी कहते हैं, और ये बहुत ज्यादा डिलीशियस है, मार्केट में बहुत ज्यादा अवेलेबल है, ठीक है। तो ये
इसको हम क्या कर सकते हैं, मोनोकल्चर, सिंगल कल्चर कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा है वो है पॉली कल्चर। पॉली कल्चर में आप दो या दो से ज्यादा फिश की स्पीशी को एक ही इन्वायरमेंट के अंदर कल्टीवेट कर सकते हो, ठीक है। और ये पॉली कल्चर पॉन्ड में भी हो सकता है, और ज्यादातर फिशेज जिसको हम पॉली कल्चर कर रहे हैं, कैट फिश जो है उसके पॉन्ड में, कुछ जो फार्मर हैं वो पैडल फिश को भी डाल देते हैं, कुछ तलापिया को डाल देते हैं, और कुछ बिग हेड कार्प्स को भी डाल देते हैं। मतलब एक ही इन्वायरमेंट में आप डिफरेंट फिश की स्पीशीज को ऐड कर दो तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉली कल्चर। उसके बाद है फिश फार्मिंग की टाइप्स क्या हैं, मतलब हमें जो है वो पॉन्ड में फिश को कल्चर करना चाहिए, किसी टैंक में कल्चर करना चाहिए, किसी रेसवे के अंदर कल्चर करना चाहिए, या हमें फिश को कहाँ कल्चर करना चाहिए जिससे हमारी इकोनॉमिक जो है इकोनॉमिक्स भी इम्प्रूव हो और प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो और फिश की जो डिजीज का आउटब्रेक है वो भी कम हो। तो सबसे पहला जो है वो है एक एक्सटेंसिव कल्चर, एक्सटेंसिव कल्चर जो है ना, और दूसरा है सेमी इंटेंसिव कल्चर, और तीसरा है इंटेंसिव कल्चर। तो वन बाय वन इनकी डिटेल हम देखते हैं। सबसे पहला है एक्सटेंसिव कल्चर। डियर स्टूडेंट, एक्सटेंसिव कल्चर जो है ना, यहाँ पे फिश अपने फुली नेचुरल इन्वायरमेंट में होती है, ठीक है। यहाँ पे कोई उसको, मतलब आप ये कह लो कि लीस्ट मैनेज्ड फिश फार्मिंग है। यहाँ पे मैनेजमेंट बहुत ज्यादा कम होती है और केयर टेकर जो है वो भी बहुत ज्यादा कम होती है, ठीक है। और ये एक बहुत वास्ट एरिया होता है जहाँ पे नेचुरल इन्वायरमेंट में हर अगर कहीं पे भी फिश रह रही है तो वो उसकी एक्सटेंसिव फिश कल्चर होगा। मतलब बहुत बड़ा पाउंड का एरिया है तो वो क्या होगा, एक्सटेंसिव कल्चर होगा, ठीक है। यहाँ पे फिश जो है वो नेचुरल फूड के ऊपर डिपेंड करती होती है, इसमें हमने कोई आर्टिफिशियल फीड ऐड नहीं करनी, ठीक है। और इसके अलावा इसका एडवांटेज क्या है कि हम वास्ट वाटर बॉडी होती है, मतलब बहुत ज्यादा पानी होता है जहाँ पे फिश जो है वो रह सकती है। जितना ज्यादा वाटर बॉडी होगा उतना ही फिश की स्विमिंग, फिश की रहने की स्पेस जो है वो भी इंक्रीज होगी। दूसरी बात ये कि इसको, इसकी मैनेजमेंट ईजी है, लेकिन इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं। जैसे चैलेंजेस हैं उसका क्या मतलब है कि कोई स्पेसिफिक रेट नहीं है स्टॉकिंग डेंसिटी का। स्टॉकिंग डेंसिटी का मतलब है कि हम उस एरिया में कितनी फिश को कल्चर कर रहे हैं, कितनी फिश को हम उसमें डाल रहे हैं, ये कोई स्पेसिफिक रेट नहीं है। कुछ फार्मर जो हैं वो बहुत ज़्यादा फिश को स्टॉक कर देते हैं और कुछ जो हैं वो कम रेट को भी स्टॉक करते हैं। इसके अलावा कोई आप आर्टिफिशियल फीड इसमें नहीं दे रहे हो, ये फुली नेचुरल फूड पे डिपेंड कर रही है। और वेट वाटर पैरामीटर्स जिसमें आपकी आ जाती है डिजोल्व ऑक्सीजन कितनी है उसमें, टेम्परेचर कितना है, पीएच कितनी है, नाइट्रेट नाइट्राइट का लेवल कितना है, अमोनिया कितना है, इन सबको चेक नहीं किया जाता एक्सटेंसिव कल्चर में, ठीक है। अब इसमें प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है, बहुत ज़्यादा लो है। मतलब एक साल में सिर्फ और सिर्फ आप 7 से 1000 केजी पर हेक्टेयर इतनी प्रोडक्शन आप ले सकते हो, ठीक है। तो इसमें जो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। अब जो दूसरा कल्चर है वो क्या है, सेमी इंटेंसिव कल्चर। सेमी इंटेंसिव कल्चर जो है ये, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो कल्चर है होगा ये पाउंड के अंदर, लेकिन यहाँ पे पाउंड का एरिया थोड़ा लेस होगा, ठीक है। पाउंड का एरिया क्या है, लेस है, मोस्ट प्रेवलेंट है। और यहाँ पे पाउंड जो है वो 0.5 से 1 हेक्टेयर का होता है, और स्टॉकिंग डेंसिटी यहाँ पे कितनी रखी जाती है, 1000 से 15000 फिश पर हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर में 1000 से 15000 फिशेज आप रख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इस सिस्टम में आप नेचुरल फीड भी फिश को मिल रही होती है, और इसके अलावा आप कुछ सप्लीमेंट भी ऐड करते हो, मतलब आर्टिफिशियल फीड भी आप फिश को प्रोवाइड करते हो, ठीक है। इसमें कुछ जो मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं वो इम्प्रूव होती हैं एज कम्पेयर टू एक्सटेंसिव कल्चर। और वाटर पैरामीटर्स को भी कभी कभी चेक कर लिया जाता है। और वाटर पैरामीटर्स क्या हैं, अगेन मैं रिवाइज करवा दूं, इसमें है डीओ मतलब डिजोल्व ऑक्सीजन कितनी है, इसमें पीएच कितनी है, इसमें टेम्परेचर कितना है, नाइट्रेट नाइट्राइट का लेवल कितना है, और अमोनिया कितना है, क्योंकि ये वाटर पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं फिश की कल्चर करने के लिए। इसके अलावा जो प्रोडक्शन है वो तकरीबन एक साल में 4 से 6 टन पर हेक्टर, 1 हेक्टर से 4 से 6 टन आपको एक साल में मिल सकती है, ठीक है। इकोनॉमिक रिटर्न मीडियम होता है, और डिजीज का आउटब्रेक जो है वो भी मीडियम है। मतलब अगर एक फिश को डिजीज है तो अगर आपने उसको सेपरेट आउट नहीं किया तो हो सकता है कि वो पूरे पाउंड को ही डिजीज जो है वो कॉज करवा दे, ठीक है। अब ये जो एरिया है यहाँ पे हम फॉर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा फार्मर्स जो हैं वो पॉन्ड में फिश को कल्चर कर रहे होते हैं तो वो सेमी इंटेंसिव कल्चर करते हैं।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कल्चर आजकल पाकिस्तान में जो बहुत ज्यादा इन है वो है इंटेंसिव फिश कल्चर। और इंटेंसिव फिश कल्चर जो है इसमें क्या होता है कि हम फिश की क्वांटिटी को बहुत ज्यादा रखते हैं, मतलब एक यूनिट एरिया में फिश की क्वांटिटी को ज्यादा रखा जाता है। और इसमें होता क्या है कि सारी के सारी जो पैरामीटर्स हैं वो कंट्रोल्ड होते हैं, जैसे कि फीड है, वाटर की क्वालिटी है, स्टॉकिंग डेंसिटी है और प्रोडक्शन की कंडीशंस हैं, ये सारी कंट्रोल्ड होती हैं, ठीक है। और इसमें स्टॉकिंग डेंसिटी हम 1 हेक्टर में 2500 से 3000 जो है या इससे भी ज़्यादा हम इसकी स्टॉकिंग डेंसिटी रख सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमारा जो इंटेंसिव फिश कल्चर है वो किस फॉर्म का है, मतलब जैसे आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह का हम ब्रेसवे में उसको कल्चर कर रहे हैं, या फिर उसको हम केज में कल्चर कर रहे हैं, या फिर हम उसको किस तरीके पेन कल्चर कर रहे हैं, तो उस हिसाब से मतलब स्टॉकिंग डेंसिटी को हाई रखा जा सकता है, 7000 से 8000 तक रखा जा सकता है फिश को यहाँ पर। लेकिन जो एवरेज है वो इतनी भी रख सकते हैं, लेकिन इससे बहुत ज्यादा मैक्सिमम है, मतलब थाउजेंड्स में 7-8000 तक भी फिश की जो स्टॉकिंग डेंसिटी है उसको रखा जा सकता है। वाटर पैरामीटर्स बहुत ज्यादा चेक किए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे स्टॉकिंग डेंसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, स्टॉकिंग डेंसिटी हाई है, तो इसलिए हर फिश को ऑक्सीजन पहुंचना, उसका टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट, उसकी ऑक्सीजन उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है हर फिश के लिए। जाहिर है अगर आप एक ही पंप ऐड कर दोगे उस पानी में और वहां पे बहुत ज्यादा स्टॉकिंग डेंसिटी आपने रख दी है, तो वो बजाय इसके कि आपको फायदा हो आपको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि फिश की सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए आप या तो बहुत ज्यादा बड़े पंप वहां पे लगाएं ताकि फिश को ऑक्सीजन जो है वो इजीली अवेलेबल हो, और इस सिस्टम में जो फार्मर है वो वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करता, उसको दिन में 2 दफा चेक करता है। ज्यादातर हम डिफरेंट टाइम पे भी हम इसको चेक कर सकते हैं कि सुबह होते ही हम चेक करें, उसके बाद सूरज निकलते चेक करें, मतलब डिफरेंट टाइम के अकॉर्डिंग भी हम वाटर की जो पैरामीटर्स हैं उसको चेक कर सकते हैं। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर स्टॉकिंग डेंसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज है तो इसका मतलब है कि उनका जो वेस्ट है, जो अमोनिया है, जो नाइट्रेट नाइट्राइट में उसको कन्वर्ट करा, वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो आपने ये माइंड में रखना है कि अगर अमोनिया या नाइट्रेट नाइट्राइट का लेवल बहुत इंक्रीज हो गया है तो वो आपकी फिश के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वो टॉक्सिसिटी कॉज करेगा। तो आपके जो पाउंड है, जो आपका सिस्टम है, उसमें अमोनिया नाइट्रेट नाइट्राइट का लेवल भी एक लेवल तक होना चाहिए, इससे इंक्रीज नहीं होना चाहिए। इसके अलावा प्रोडक्शन जो है वो 15 से 25 टन पर हेक्टर पर ईयर तक हो सकती है, और इकोनॉमिक रिटर्न बहुत बहुत ज्यादा हो सकता है। और अगर इन केस अगर कोई डिजीज आउटब्रेक हो गई है तो हो सकता है कि जो इकोनॉमिक रिटर्न है वो बहुत ज्यादा लो भी हो सकता है। रिस्क भी है और बेनिफिट भी है यहाँ पर। अब जो इंटेंसिव कल्चर है वो केज में भी कर सकते हैं, वो टैंक में भी कर सकते हैं, वो रेसवेज में भी कर सकते हैं, पेन कल्चर भी कर सकते हैं और राफ्ट कल्चर भी कर सकते हैं। केज कल्चर में होता क्या है कि ये एक ऐसा एक्वाकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम है जिसमें एनिमल को एक केज में या बास्केट में रखा जाता है और वाटर जो है वो फ्रीली पास करता है कल्चर्ड एनिमल और सराउंडिंग वाटर में, ठीक है। और इसमें जो मोस्ट कॉमन फिशेज जिसको हम कल्चर कर रहे हैं वो है हमारे पास कैटफिश, ट्राउट, तलापिया, स्ट्राइप बास, रेड ड्रम, ब्लू गिल, सनफिश और कार्प्स। ये कॉमन फिशेज हैं जिसको हम केज में कल्चर करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी स्पीशीज हैं लेकिन दीज आर द मोस्ट कॉमन फिशेज जो कि कल्चर हो रही हैं केज में, ठीक है। यहाँ पे आपको केज कल्चर दिखाया गया है कि इन्होंने यहाँ पे एक केज बनाया है, मतलब ये जहां पे उन्होंने फिश को रखा है और यहाँ से वाटर जो है वो मूव कर रहा है, पानी अंदर भी और बाहर भी, अंदर फिश जो है ये उसका इन्वायरमेंट है, तो पानी जो है वो फ्रीली जो है वो अंदर और बाहर मूव कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जो अगला सिस्टम है वो है पेन कल्चर। पेन कल्चर जो है इसमें क्या होता है कि ऑल साइड जो है वो इनक्लोज होती है एक्सेप्ट बॉटम, बॉटम के अलावा बाकी जो सारी की सारी साइड्स हैं वो क्या है, इनक्लोज है, और वो परमिट करती हैं कि जो फ्री सर्कुलेशन है वाटर का वो हो, एटलीस्ट एक साइड से तो वाटर की सर्कुलेशन यहाँ पे हो, ठीक है। और इसमें इस कल्चर में हम कंसिडर करते हैं हाइब्रिड, ये जो है ये हाइब्रिड है पाउंड कल्चर का और केज कल्चर का, ठीक है, क्योंकि ये दोनों के इन बिटवीन आता है। यहाँ पे जो मोस्ट सुटेबल फिश का कल्चर है वो है कैटफिश, तलापिया और प्रॉन्स, ठीक है।
केज कल्चर आपको दिखाया गया जहाँ पे तमाम साइडें जो है वो इनक्लोज हैं एक्सेप्ट बॉटम। तो ये एमसीक्यू लास्ट टाइम भी पीपीएससी के एग्जाम में आया था कि वो कौन सा कल्चर है, फिश कल्चर है, जिसमें तमाम साइड्स जो हैं वो उसकी इनक्लोज होती है एक्सेप्ट बॉटम, तो वो था पेन कल्चर। उसके बाद है रेसवे कल्चर। इट इज अ वेरी वेरी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी इन पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम जो है वो इंट्रोड्यूस की गई है। और ये इंट्रोड्यू इसकी जो इंट्रोडक्शन है वो खानावाल मतलब जो पंजाब फिश फार्म है वहाँ पे इसकी प्रोडक्शन जो है वो की गई है खानेवाल में। ठीक है, और ये बहुत वास्ट प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान में गवर्नमेंट लेवल पे स्टार्ट किया गया है। और इसमें होता क्या है कि आपने एक कंक्रीट के जो यहाँ पे आपने कंक्रीट की कंस्ट्रक्शन करनी है, बेसन या रेक्टेंगुलर बेसन या केनाल कंस्ट्रक्ट करना है, और वहाँ पे आपने इनलेट और आउटलेट जो है वो लगा देना है। इस सिस्टम में होता क्या है कि जो इसकी गहराई है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा भी नहीं मतलब इतनी होती है कि फिश जो है वो इजिली हम हाई स्टॉकिंग में इसको रख सकते हैं। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे हाई पावर के हमारे जो ऑक्सीजन के लिए जो मीटर्स हैं वो हाई पावर के लगाए जाते हैं, ऑटो फीडर्स यहाँ पे सप्लाई किया जाता है। और इसके अलावा जो फिश का वेस्ट है वो एक साइड से बाहर निकल दिया जाता है और वो एक साइड से उसको कलेक्ट कर लिया जाता है बजाय इसके कि वो पॉन्ड के अंदर ही रहे। तो हम हाई स्टॉकिंग डेंसिटी को फिश के अंदर हाई स्टॉकिंग डेंसिटी को इस जो कंस्ट्रक्शन हमारा रेक्टेंगुलर बेसन है उसके अंदर हम इसको रख सकते हैं और अपनी प्रोडक्शन को भी इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल्ड बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड कंडीशंस होती हैं। डीओ में इसकी डीओ बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड होती है, टेम्परेचर, अमोनिया नाइट्रेट, यहाँ पे नाइट्रेट और नाइट्राइट का हाई होने का जो चांस है वो बहुत कम होता है, क्योंकि इसको इसके जो वेस्ट है उसको स्लज सिलेक्शन यूनिट से उस सेपरेट आउट कर दिया जाता है। स्लज सिलेक्शन यूनिट एक्चुअली होता है क्या है, ये रेसवेज के साथ एक यूनिट है जहाँ से ऐसा सिस्टम होता है जहाँ से उसके वेस्ट को कलेक्ट कर लिया जाता है। तो ये जो है ये डिफरेंट रेसवेज दिखाए हुए हैं, डिफरेंट रेसवेज हैं जहाँ पे आप अपनी फिश को कल्चर कर सकते हो, अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन लेकिन मेक श्योर कि आपके जो पैरामीटर्स हैं वो बिल्कुल कंट्रोल्ड हैं, और किसी भी फिश में कोई डिजीज अगर है तो उसको आप क्विकली सेपरेट आउट कर लें, ना कि वो पूरी जो रेसवे है उसकी फिश को अफेक्ट करे। यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज की जा सकती है लेकिन रिस्क भी उतना ही होता है। उसके बाद है राफ्ट कल्चर। ये ज्यादातर फिश के लिए तो इस्तेमाल नहीं किया जाता, हाँ लेकिन ये इनवर्टिब्रेट के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वो इनवर्टिब्रेट जो कि सिसाइल हैं। एक्चुअली इनके कल्चर करने का, इसको बनाने का पर्पस ये है कि एनिमल को उसकी फूड तक कन्फाइंड रखा जाए और उसको प्रीडेटर से बचा के रखा जाए। और इसको हम ज्यादातर वुड का बनाते हैं और सम सॉर्ट ऑफ फ्लॉट जो कि वाटर के ऊपर ऊपर फ्लॉट कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा लेक्चर के वाइंड अप करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स जो है वो मैं बता दूं। हैचिंग्स क्या होती हैं, अगर एग है जाहिर है फिश जो है वो ओविपेरस होती है ज्यादातर, एक्सेप्ट फ्यू स्पीशीज जो कि इलास्मोब्रैंकाय से बिलोंग करती हैं, वो एग ले करती हैं। एग ले करने के बाद अगर उसका लार्वा प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको जब अभी वो अंडे से निकलेगी तो उसको हम हैचिंग कहेंगे। हैचिंग न्यूली हैचिंग है और 1 से 2 इंच का है बच्चा तो उसको हम कहेंगे फ्राई, और 2 से 5 इंचेस तक या 21 से 90 डेज तक हम उसको फिंगरलिंग कहेंगे। अगर वो 1 साल का हो जाएगा तो उसको हम ईयरलिंग कहेंगे। और इसके अलावा जो फिश सीड है वो सीड है यंग स्टेज फिश के, जिसको हम स्टॉकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, फिश को कल्चर करने के लिए, रेयरिंग करने के लिए। और जो विनाइल स्टेज जो है वो स्टेज होती है जब हम फिश को मतलब 3 से 6 माह की जो एज है वो जुवेनाइल स्टेज होती है, उसके बाद जो फिश है वो अडल्ट स्टेज में आ जाती है। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।